है आपका मेरे चैनल डिस्कवर होम में। तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे आपसे पाव भाजी की रेसिपी कि किस तरह से आप टेस्टी और यमी स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल जो पाव भाजी बनती है वो आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, बताते हैं आपको कि आपको पाव भाजी के लिए क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 4 से 5 छोटे छोटे आलू ले लिए हैं, उनको पील कर लिया है इस तरह से, और आप देख पा रहे हो 2 गाजर हमने कट करके ले ली हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास है कद्दू, ये कद्दू है। तो फ्रेंड्स, इसको ले लिया है, इसको हमने इसका जो छिलका होता है उसको हमने उतार दिया है और उसको इस तरह से ले लिया है, क्योंकि ये सब कुछ होने वाला है, अच्छे से इसको मैश करना है हमें। तो सबसे पहले हम कुकर में गैस ऑन करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसमें डाल लेनी है ये सारी सब्जियाँ, और इसमें डाल लेना है 1/2 कप के करीब पानी, और फ्रेंड्स, इसमें 3 से 4 सीटी लगाने तक हमें इसको कर लेना है बॉयल अच्छे से। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारी जो सब्जियाँ हैं वो बॉयल हो गई हैं। तो हमारी सब्ज़ी जैसे ही बॉईल हो गई थी फ्रेंड्स, हमने इसमें मटर भी ऐड कर दी थी, तो वो थोड़ा सा जो भी है स्टीम से पक गई है, और ये सारी सब्जियां कुक हो चुकी हैं प्रॉपरली। इस तरह से आप देख पा रहे हो ये कटने से आराम से कट रहा है। तो अब हम इनको कर लेंगे इस तरह से, एक मैशर लेकर मैश कर लेंगे इस तरह से, अच्छे से हमें मैश करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने ले ली है एक कढ़ाई, गरम कर लेना है उसे, और उसमें हमने 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल डाल लिया है, और यहाँ 1 से 2 चम्मच के करीब हमें डाल लेना है जीरा। और जीरा हमारा भुन चुका है, तो यहाँ हम अदरक प्याज और लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपनी प्याज को अच्छे से पकाना है ऑयल में। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो हमारी जो प्याज है वो अच्छे से कुक हो गई है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने ये चॉपर में ब्लेंड कर लिए हैं टोमेटो 2, तो इनको भी हम डाल देते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें डाल लेनी है इसमें कसूरी मेथी, तो आप थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल लीजिए इस तरह से, तो इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने ये ले ली है शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च है ये, बारीक चॉप कर लिया है हमने इसको, तो इसको भी डाल लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, हमारी जो शिमला मिर्च है वो भी कुक हो चुकी है, और फ्रेंड्स, ये है हमारे पास पाव भाजी मसाला जो कि हमने खुद बनाया है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हो इस रेसिपी को जानना कि किस तरह से तैयार हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसकी रेसिपी वहां है, तो आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसकी हम 3 चम्मच करीब हम इसमें ऐड करेंगे, हमें इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें यही डालना है। और फ्रेंड्स, इसकी बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक खुशबू है जो कि पूरे किचन को महका रही है। यदि आप भी इस तरह से घर में मसाला बनाओगे तो आपको पता पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि आप बनाओगे तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको इसकी खुशबू किस तरह से लगी। फ्रेंड्स, हाँ, तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारी जो ग्रेवी है उसमें से तेल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास है थोड़ा सा धनिया, तो हमें यहाँ धनिया थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम डाल लेंगे 1 चम्मच के करीब नमक। तो फ्रेंड्स, हमने जो मसाला बनाया है उसमें भी नमक का यूज़ हुआ है, तो इसके लिए आप नमक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा चेक करके ही डालें, तो क्योंकि इसमें कम नमक डलेगा। और इस तरह से आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, देखिए तेल इस तरह से सेपरेट हो गया है हमारी ग्रेवी में से। तो अब हमने जो सब्जी हमने मैश करके रखी हुई है यहाँ पर इस तरह से, तो अब हम इसको ऐड करेंगे इसमें। और फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से।
हाँ तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो सब्जी है पाव भाजी की, उसको इस तरह से मैश करते हुए हमें पकाना है। तो ये तब तक पकती है, तो फ्रेंड्स हम ऊपर का इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ ले लिया है हमने एक पैन, तड़का पैन। तो फ्रेंड्स उसमें डाल लिया है हमने ऑयल, या हमारे पास है ग्रेटेड जो प्याज है वो हमने फाइनली चॉप कर लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमारी जो प्याज है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इसी स्टेज पर हमें डालनी है तड़के के लिए देगी मिर्च। तो हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब देगी मिर्च इसमें डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी जो भाजी है वो बनके हो गई है तैयार, हमारा जो तड़का है वो भी हो गया है तैयार। तो इसे डाल लेते हैं इसमें, इस तरह से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो हमारी जो भाजी है वो बनके तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप देख रहे हो, इसमें से ऑयल हट गया है, एक साइड से आ गया है फ्रेंड्स इस तरह से। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से एकदम स्मूथ टेक्सचर इसका आया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भाजी बनके तैयार हुई है। तो अब हम बना लेते हैं पाव। हाँ तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ले लेना है अमूल बटर और उसके स्लाइस हमें काट लेने हैं। तो इसके स्लाइस हमें इस तरह से काट लेने हैं और पैन को हमने कर लिया है गरम। तो हम बटर डालेंगे, उसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे और फिर इन पाव को रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से सिकने के लिए। और फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा सा जो बटर है वो हम ऊपर भी लगाएंगे, जिससे जो एक शाइन आएगी हमारे जो पाव हैं उन पर। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो हमारे जो पाव हैं वो हो गए सिक्के तैयार। तो अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो हमारी यमी सी रेसिपी बनके हो गई है तैयार, पाव भाजी की। हमने इसकी कर ली है प्लेटिंग। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मेरी ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं कहूँगी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।